हाँ जी, तो शुरू करते हैं अपने। इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग में इंजन पढ़ लिया, उसके अलावा सिस्टम्स पढ़ रहे थे आईसी इंजन के। कल की क्लास में हमने पढ़ लिया फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में, और उसके बाद में हमने पढ़ लिया एक और सिस्टम के बारे में। आज की क्लास की बात करते हैं, तो आज की क्लास में हम कुछ और सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आज की क्लास का पार्ट रहेगा एक तो कूलिंग सिस्टम, ठीक है, और दूसरा कौन सा रहेगा, ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ अगर इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो कूलिंग सिस्टम तो नाम से पता लगता है आप लोगों को कि इंजन जो होता है उसमें आग जलती है, फ्यूल जलता है, फ्यूल के जलने से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पार्ट्स मूव करते हैं, पार्ट्स के मूव करने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो इन सारे कारणों की वजह से इंजन का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म की जरूरत रहती है, वो मैकेनिज्म होता है कूलिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, तो ट्रांसमिशन सिस्टम कुछ भी नहीं है, आपने केवल अब तक जो पढ़ा है वो इंजन पढ़ा है। अब इंजन में आपको ये चीज पता लग गई कि ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, यहाँ से फ्यूल आता है, ब्लास्ट होगा, पिस्टन नीचे जाएगा, कनेक्टिंग रोड जुड़ी होगी, कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी होगी, क्रैंकशाफ्ट रोटेशन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, क्रैंकशाफ्ट के कारण फ्लाईव्हील भी रोटेशन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। इतनी चीजें आपने पढ़ ली। अब उसके बाद में इंजन तो गोल घूम गया, फ्लाईव्हील तो गोल घूम गया, ये तो सारी बातें हमें समझ में आ गई, पहिए कैसे गोल घूमे भाई, तो पहिए कैसे गोल घूमते हैं उसके बारे में बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम में। यानी फाइनल आपके पावर किस तरीके से व्हील्स को ट्रांसफर की जाती है उसको हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन में हम क्लच को पढ़ते हैं, जनरली गियर्स को पढ़ते हैं, डिफरेंशियल को पढ़ते हैं, और हम फाइनल ड्राइव को पढ़ते हैं। ये कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, देखने में आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगी, लेकिन अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो ट्रांसमिशन सिस्टम से इजी सिस्टम कोई नहीं है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों को समझने में। ओके, आगे शुरू करते हैं अपने कूलिंग सिस्टम से। सबसे पहले बात करते हैं कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो क्या बोल दिया गया, फ्यूल इज बर्न इनसाइड द सिलेंडर, कि सिलेंडर के अंदर ईंधन जलता है, हमें पता है ये चीज, किसके, एक आंतरिक दहन इंजन के सिलेंडर के अंदर ईंधन जलता है शक्ति उत्पन्न करने के लिए। इसमें कोई नई बात नहीं है, हम इस चीज को अच्छे से जानते हैं। अब आप एक और चीज को समझना कि जो डीजल इंजन था उसके अंदर हमने हवा को कंप्रेस कर दिया, तो हवा का तापमान कितना हो गया, 700 से लेकर के 900 डिग्री तक हो गया था, लेकिन वो तो केवल हवा का तापमान था। अब इतनी गर्म हवा में हमने डीजल और डाल दिया, और डीजल और डालने से उसमें ब्लास्ट हो गया, तो वो टेम्परेचर 700-900 से बढ़ के कितना पहुंच गया, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सेम केस पेट्रोल इंजन में जब पावर स्ट्रोक होगा उसमें भी इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब ये 1600 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर हो गया, वो जो जिस पदार्थ से आपका इंजन बना हुआ है, जिस भी मेटल से आपका इंजन बना हुआ है, जैसे कोई सिलेंडर है या पिस्टन है या सिलेंडर हेड है, वो जिस भी मेटल से बने हुए हैं, उन मेटल को पिघालने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, उनको पिघाल देना, ठीक है, उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा है वो टेम्परेचर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा तो आपका इंजन पिघल जाएगा। जैसे लोहे को गर्म करके क्या कर देते हैं, उसे पिघाल देते हैं, उसी तरीके से ये जो इंजन मटेरियल होगा वो भी सारा पिघल जाएगा, और इंजन पिघल जाएगा तो वो सारा का सारा अपना खराब हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर एक और बात की जाए, हीट के कारण जो आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि जो इंजन ऑयल है, जिसे सामान्य भाषा में आप मोबिल कहते हो, वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। आपके इंजन ऑयल का तापमान बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और वो भी नष्ट हो जाएगा, यानी यूजफुल नहीं रहेगा वो, ल्यूब्रिकेशन अब नहीं कर पाएगा, ल्यूब्रिकेशन नहीं कर पाएगा। तो कल हमने पढ़ा था ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, और आपको अच्छे से पता है अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उनके अलावा अगर बोला गया तो आईसी इंजन का जो बेस्ट टेम्परेचर होता है काम करने के लिए, जो सबसे उपयुक्त टेम्परेचर माना जाता है, वो 140 डिग्री फारेनहाइट से 200 डिग्री फारेनहाइट माना जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये डिग्री फारेनहाइट में डाटा है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर माना जाता है आईसी इंजन के लिए उपयुक्त, लेकिन यहाँ पे तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रखा है, तो इसे कम करने के लिए हमें क्या जरूरी है, कूलिंग सिस्टम की अत्यधिक आवश्यकता होती है किसी भी आईसी इंजन में। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। उसके अलावा हम एक बात हमेशा से पढ़ते आए हैं, मैं आपको ये चीजें पहले ही बता चुका हूँ, थर्मल एफिशिएंसी। हमने पढ़ा पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 28% to 32% होती है, हमने पढ़ा डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 32 to 38% होती है। अब ये थर्मल एफिशिएंसी जब मैंने आपको बताया तो उसका मैंने आपको मतलब बताया कि जो आपका फ्यूल आता है वो फ्यूल पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा जो होती है उसके अंदर जितनी शक्ति होती है वो सारी शक्ति आपके पहियों को घुमाने में या इंजन की मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं करता,
उस एनर्जी का कुछ भाग, ठीक है, उस एनर्जी का कुछ भाग आपके पिस्टन द्वारा काम में लिया जाता है, कुछ भाग कूलिंग द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और कुछ भाग एग्जॉस्ट द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए मैंने आपको ये भी बोला था कि जो आपका सिलेंडर, आपका साइलेंसर होगा, जहां से धुआं बाहर निकलता है वो गर्म निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि उसमें भी एनर्जी रहती है। ओके, अब बात करते हैं, यह अनुमान लगाया जाता है कि अबाउट 40% ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस इज पास टू एटमोस्फेयर बाय एग्जॉस्ट। अब जो 100% थी फ्यूल के जलने से, जो 100% हीट प्रोड्यूस हुई, क्योंकि इंजन का काम क्या है, हीट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ये इंजन का काम था। तो उस जो 100% हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें से 40% तो उसने धुएं के रूप में बाहर निकाल दी वातावरण में, 30% जो थी वो कूलिंग द्वारा नष्ट हो गई और बाकी बची केवल 30% जो एनर्जी थी वही हमारे पावर प्रोड्यूस करने के काम आई। तो ये बातें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, अब आपको और क्लैरिटी आ गई होगी इन चीजों में कि अच्छा ऐसे ऐसे होते हुए चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पर्पज क्या है कूलिंग के। हालांकि ये चीजें हमें पहले ही समझ में आ चुकी है लेकिन फिर भी एक बार इन्हें देख लेते हैं। To maintain optimum temperature of engine for efficient operation under all operations, all conditions. कि सभी परिस्थितियों में इंजन के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए उपयुक्त तापमान उपलब्ध करवाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कूलिंग सिस्टम का। उसके अलावा क्या हो गया, तो dissipate, dissipate का मतलब क्या होता है, दूर कर देना। सरप्लस हीट, सरप्लस हीट का मतलब क्या हो गया, जो आवश्यकता से अधिक हो उसे कहते हैं सरप्लस, ठीक है। हीट यानी क्या, ऊष्मा, यानी आवश्यकता से अधिक जो ऊष्मा होगी उसे क्या कर देना, दूर करने के लिए। क्यों? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंजन कंपोनेंट्स, इंजन के भागों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। सुरक्षा क्यों, आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो इंजन के भाग जो होंगे वो पिघल जाएंगे, ओके, मेल्ट हो जाएंगे। कौन कौन से इंजन के भाग, जैसे कि सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, पिस्टन, पिस्टन रिंग्स और वॉल्व्स इत्यादि। ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी जो होती है ऑयल की, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। क्यों आवश्यकता होगी, क्योंकि हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ल्यूब्रिकेशन ऑयल जो होगा या इंजन ऑयल जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें थी, क्या क्या चीजें, एक तो इंजन का टेम्परेचर ठीक रखने के लिए, दूसरा क्या, इंजन पार्ट्स की सुरक्षा करने के लिए, और तीसरा पर्पज क्या हो गया, इंजन ऑयल को भी सेफ रखने के लिए, ओके। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि मेथड्स क्या क्या है, ठीक है जी। हमें समझ में आ गया कूलिंग सिस्टम होता क्या है, हमें समझ में आ गया कूलिंग सिस्टम क्यों करना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे करेंगे। दो तरीके से कर सकते हैं, एक हो सकता है एयर कूल्ड सिस्टम और एक हो सकता है वाटर कूल्ड सिस्टम। सबसे पहले और सबसे बेसिक की बात करते हैं एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं इसमें। बात करेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम एयर इज यूज्ड एज मीडियम फॉर रिमूविंग हीट फ्रॉम इंजन टू एटमोस्फेयर। यानी कि इस प्रकार के कूलिंग सिस्टम में हवा जो होती है उसे ऊष्मा रिमूव करने के लिए, ऊष्मा हटाने के लिए, इंजन से ऊष्मा हटाने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। अब वो ऊष्मा इंजन से हटा दी, उसे कहाँ भेजा जाएगा, उसे डायरेक्ट एनवायरनमेंट में भेज दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर। यानी कि आप इसे बोल सकते हो कि यह इस प्रकार का कूलिंग सिस्टम होता है जिसमें इंजन से आवश्यकता से अधिक ऊष्मा को बाहर वातावरण, बाहरी वातावरण में हवा के द्वारा भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वायु के द्वारा भेज दिया जाता है, हवा के द्वारा भेज दिया जाता है, व्हाटएवर आप जो भी लैंग्वेज बनाना चाहो बना सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करवाई दी जाएगी हिंदी मीडियम की, तो आप समझ सकते हो इस चीज को। उसके बाद में अगर बात करें एयर कूल्ड इंजन के बारे में, तो ये वो टाइप के इंजन होते हैं जो क्या करते हैं, हीट को क्या करेंगे, कंडक्ट कर देंगे डायरेक्ट। कहाँ से, वर्किंग कंपोनेंट्स, जो इंजन के वर्किंग कंपोनेंट होंगे उनसे जो हीट प्राप्त होगी उसे डायरेक्ट एटमोस्फेयर में भेज देंगे। आप समझ में आई, एक्स्ट्रा हीट जितनी भी होगी उस एक्स्ट्रा हीट को इंजन के कंपोनेंट से लेंगे, उसे बाहर भेज देंगे डायरेक्ट। अब कैसे करते हैं, वो चीजों को समझते हैं। इस प्रकार के इंजन जो होते हैं उनके अंदर सिलेंडर आर जनरली नॉट ग्रुप्ड इन ए ब्लॉक। अब इसका क्या मतलब है, सिलेंडर आर जनरली नॉट ग्रुप्ड इन ए ब्लॉक। ब्लॉक किसे कहते हैं भाई, ब्लॉक मान लीजिए तीन चार बिल्डिंग्स हैं या तीन चार एक जैसी चीजें, उनको एक ग्रुप को बोलते हैं ब्लॉक। तो यहाँ पे वही चीज होगी, अगर मान लीजिए कोई इंजन है और वो मल्टी सिलेंडर इंजन है। मल्टी सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, उसमें एक से ज्यादा सिलेंडर है। अब वो एक से ज्यादा दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। सामान्यतः थ्री सिलेंडर इंजन या फोर सिलेंडर इंजन देखने को मिलते हैं, ओके ओके। तो कहाँ थे अपने, हाँ, तो सिलेंडर जो होते हैं वो ब्लॉक में नहीं होते। ब्लॉक में होने का मतलब क्या हो गया, जैसे मल्टी सिलेंडर इंजन होंगे, जैसे कि एक से ज्यादा सिलेंडर हो गए, तो वो सिलेंडर एक दूसरे के पास पास इसमें एडजस्ट नहीं होते, उनको अलग अलग स्थापित किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हवा के द्वारा कूलिंग की जाएगी जो उतनी एफिशिएंट नहीं होती। अगर ये एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो कोई हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे और हवा उनको
कूल नहीं कर पाएगी, हवा उस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या करते हैं, सिलेंडर जो होते हैं उनको ग्रुप में नहीं रखते, अलग अलग चैम्बर बनाते हैं उनके लिए। ओके, उसके बारे में बाद में बात करते हैं कि एयर कूलिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लाइट व्हीकल्स। लाइट यानी जो हल्के साधन होते हैं उनके लिए, क्या हल्के वाहनों के लिए एयर कूल्ड इंजन काम में लिए जाते हैं। हल्के वाहन अगर अपने दिमाग में सोचते हो, सबसे हल्का वाहन कौन सा होता है भाई, मोटरसाइकिल, या जैसे बाइक बोलते हैं अपने जनरली, तो बाइक सबसे ज्यादा हल्का साधन है, ठीक है, हल्का वाहन है। तो बाइक के अंदर जो कूलिंग सिस्टम काम में लिया जाता है वो एयर कूलिंग सिस्टम होता है। अब एयर कूलिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं है उसके अंदर पंखे लगे होंगे और ऐसा कोई एसी वैसी लगी होगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल है। देखो होता क्या है, रेडिकल रिप्स और फिन्स। अब रेडिकल रिप्स और फिन्स ये एक टर्म है, किस चीज के लिए इंडिकेट की गई है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहा हूँ बहुत ज्यादा आपको ऊट पटांगी चीजें बोल के, आप देख लोगे, देखने के बाद में आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ये जो बाहर उभरी हुई संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं फिन्स, ठीक है, ये जो बाहर उभरी हुई संरचनाएं हैं इनको फिन्स बोलते हैं, ठीक है, सारे आप देख सकते हो इंजन पे, इनको फिन्स बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं फिर से कि रेडिकल रिप्स और फिन्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कि सिलेंडर का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए फिन्स काम में लिए जाते हैं। अब आपको फिन्स समझ में आ गया। यहाँ पे अगर अपने बात करेंगे तो ये अगर एक सिंपल होता तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती, मान लो। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया इस तरीके से, इस तरीके से एक्स्ट्रा फिन्स लगा दिए इन्होंने, तो क्या हो गया, सरफेस एरिया इन्होंने बढ़ा दिया इन फिन्स के कारण। बस यही इसका पर्पज है और कुछ भी पर्पज नहीं है इसका। सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो अब जो हवा है उसको ज्यादा जगह मिल पा रही है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम गंदा बना रहा हूँ जानबूझ के, यहाँ से इस वाले पार्ट से, ये वाला आप समझ सकते हो अच्छे से कि एक एक तो ये वाले स्ट्रक्चर होती है, इस वाले स्ट्रक्चर को इन्होंने ये बना दिया, तो इसका बाहरी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल को इन्होंने बढ़ा दिया इसके प्रयोग से। ओके, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेडिकल रिप्स या फिर इन्हें फिन्स बोलते हैं, इनको बाहरी सिलेंडर का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। उनके बाद में बात करते हैं, तो ये जो फिन्स होते हैं उनकी लेंथ के बारे में बात करेंगे, तो इनकी लेंथ सिलेंडर का उस वाले हिस्से पे सर्वाधिक होगी जो सबसे गर्म होगा। और अब ये चीज कोई छुपी नहीं है कि सबसे गर्म कौन सा पार्ट होता है सिलेंडर में। अगर मैं पूछना चाहूँ आप में से किसी से, तो मैं पूछता हूँ, देखते हैं आप उत्तर दे पाते या नहीं। साहिल आप बताओ कि एक सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर के अंदर सबसे गर्म पार्ट कौन सा होगा। ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है, इसको मैं बोल सकता हूँ कम्बस्टन चैम्बर, इसको मैं बोल सकता हूँ पिस्टन, इसको मैं बोल सकता हूँ सिलेंडर हेड, ठीक है, ये कनेक्टिंग रोड होगी नीचे, इसमें सबसे गर्म भाग कौन सा होगा। पिस्टन होगा सर, पिस्टन होगा सबसे गर्म मेरे ख्याल से, तो यार चैम्बर होगा सर, क्योंकि पिस्टन तो उसके अंदर है ना। कंबस्टन चैम्बर का अगर देखा जाए तो ये सिलेंडर की चार दीवारों के अंदर है पिस्टन, तो सबसे गर्म कौन सा होगा, सबसे गर्म होगा सिलेंडर हेड, क्योंकि सिलेंडर पिस्टन उसके एनर्जी को नीचे नहीं जाने देगा, तो सिलेंडर हेड ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो सबसे गर्म होगा। यानी आप इस चीज को मान सकते हो कि ये जो फिन्स की जो लंबाई होती है वो लंबाई सिलेंडर हेड वाले हिस्से में सबसे ज्यादा रखी जाएगी, और उसके बाद में धीरे धीरे इनकी लेंथ को कम कर दिया जाता है। कहाँ पे, जब वो क्रैंकशाफ्ट की तरफ पहुंचते चले जाते हैं, कि क्रैंक केस तो सारा रहता है, क्रैंक केस के अंदर तो आपकी क्रैंकशाफ्ट भी रहती है, आपकी कनेक्टिंग रोड भी रहती है, आपकी पिस्टन भी रहता है, सिलेंडर हेड भी रहता है, सारी चीजें रहती है। तो नीचे वाले हिस्से में इनकी जो लेंथ होगी उसको कम कर दिया जाएगा, ऊपर वाले हिस्से में इनकी लेंथ को ज्यादा रखा जाता है, ठीक है, किसके लेंथ को, फिन्स की लेंथ को। होते क्या है फिन्स, होपफुली आप समझ चुके हो। उसके बाद में बात करते हैं, यही सारी बातें बोली गई है कि प्रोग्रेसिवली रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है, घटा देना, कहाँ पे, क्रैंक केस के साथ साथ, जैसे जैसे क्रैंक केस में नीचे की तरफ जाते हैं तो फिन्स की लेंथ को घटा दिया जाता है। क्यों घटा दिया जाता है आप होपफुली समझते हो, क्योंकि नीचे उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती जितनी हीट ऊपर प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि एयर कूल्ड इंजन जो होते हैं वो मोटरसाइकिल फ्रेम पे माउंट किए जाते हैं। माउंट का मतलब क्या होना है, अटैच करना है, जोड़ना। ये जो होते हैं वो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों ओर, हमारे चारों ओर जो वातावरण होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। हमारे चारों ओर कोई भी चीज होगी उसको बोलते हैं सराउंडिंग। अगर मुझे लोग घेर के खड़े हुए हैं तो उसको मैं बोलूंगा कि आई एम सराउंडेड बाय पीपल, ठीक है। तो चारों ओर का जो वातावरण होगा उस वातावरण के एक्सपोज्ड, यानी कि उस वातावरण के बिल्कुल सामने रहेगा। जैसे अगर मैं वाटर कूल्ड इंजन के बारे में बात करेंगे तो वाटर कूल्ड इंजन जो होता है वो बॉडी के अंदर फ्रेम में फिट रहता है सारा का सारा, उसको आप एक्सटर्नली देख सकते हैं। लेकिन ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर तो आपको पता है, आप सिंपली आप सबके घरों में बाइक होगी, आप इजिली इसे देख सकते हो, क्योंकि ये क्या रहती है, ये बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक्सपोज्ड रहती है, इसे कोई अंदर स्पेशल फ्रेम फ्रेम में नहीं बनाया जाता। ओके, और वहीं से ये क्या काम करेगी, ये जो प्राकृतिक एयर स्ट्रीम का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पे कार्य करती है। यानी क्या,
आपको गर्मी लग रही है, आप क्या करते हो? आपको गर्मी लगेगी, गांव में आप रहते हो, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, आप क्या करोगे? पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओगे छाया में, वहां पे हवा चलती रहेगी, हवा के चलने के कारण आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो वो जो सिंपल कंसेप्ट है, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे है। आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो तो एक तेज स्पीड से जा रहे हो, स्पीड से जा रहे हो तो हवा की गति तेज हो जाएगी, हवा की गति तेज हो जाएगी, हवा टकराएगी आपके बार बार आपके एयर फिन्स पे, उनको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा मिलेगा, तो बस उसी हवा से आपका इंजन ठंडा होता रहेगा। ठीक है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ये आपको समझ में आया है नहीं आया बता दीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है फिन्स कैसे होते हैं और एयर कूल्ड सिस्टम क्या होता है किसी भी बाइक या किसी बाइक में या कोई भी व्हीकल में। फटाफट से इसका फीडबैक दीजिए। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि एयर कूल्ड इंजन जो होगा उसके फायदे क्या होते हैं। ठीक है, फायदे के बारे में बात करेंगे तो ये डिजाइन के अंदर सिंपल होगा, कंस्ट्रक्शन बनावट के अंदर भी सिंपल रहता है, इसमें कोई जटिल बनावट की हमें आवश्यकता नहीं है। इसमें वाटर जैकेट की आवश्यकता नहीं, रेडिएटर की आवश्यकता नहीं, वाटर पंप की आवश्यकता नहीं, थर्मोस्टेट की आवश्यकता नहीं, पाइप की नहीं, होज की नहीं, इन किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये भी एक फायदा है ना, पैसे बच रहे हैं हमारे। उसके बाद में पैसे किसके बच रहे हैं, हमारे ही बच रहे हैं। अगर बाइक में भी ये सारी चीजें आती, जैसे कुछ बाइक्स होती है सुपर बाइक्स होती है जिनमें इंजन बड़ा रहता है, उनमें रेडिएटर रहता है, ठीक है, उनमें रेडिएटर रहता है, उनमें एयर कूल्ड सिस्टम नहीं रहता, उनमें वाटर कूलिंग सिस्टम रहता है। वाटर कूलिंग सिस्टम उनमें रहेगा तो ये सारे के सारे पार्ट जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे खरीद इनको एक्स्ट्रा अटैच करने पड़ेंगे, इनको असेंबल करने पड़ेंगे, एक डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, एक बड़ा फ्रेम तैयार करना पड़ेगा, उन सारी चीजों के अंदर भाई साहब आपका खर्चा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो बाइक के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। ओके, वहीं पे अगर आप एयर कूलिंग सिस्टम वाली बाइक खरीद रहे हो तो वो सस्ती मिलेगी आपको। कॉम्पैक्ट होती है, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, साइज के अंदर छोटा होने को बोलते हैं कॉम्पैक्ट, तो ये कॉम्पैक्ट है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। ओके, जबकि अगर आप वाटर कूल्ड इंजन यूज करोगे तो उसमें तो इतने सारे पार्ट आपको एडिशनली लगाने पड़ेंगे तो वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, इंजन का साइज बड़ा हो जाएगा। लाइटर इन वेट है, ऑब्वियस है, इसके अंदर पार्ट्स ही हमें क्या चाहिए, फिन से तो लगाने हैं, उनके अलावा हमने किया ही क्या है। ओके, उनके अलावा बात करें अगर तो एयर कूल्ड इंजन जो होते हैं वो सर्दी और गर्मी यानी कि ठंडे और गर्म दोनों क्लाइमेट के अंदर बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। एयर कूलिंग जो होती है वो नेचुरल कूलिंग होती है, इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इंजन ऑयल खरीदते हो तो इंजन ऑयल का काम क्या रहता है, लुब्रिकेट करने का। तो आप बाइक की हर बार सर्विस करवाते हो तो आपको इंजन ऑयल बदलवाना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए क्या लगता है भैया, पैसा लगता है। वैसे ही आप अगर कार या ट्रैक्टर इन सारे मशीन्स की बात करो तो इनके अंदर कूलेंट भी डलता है जिसका काम क्या रहेगा, इंजन को ठंडा करना, जिसका काम क्या रहेगा, इंजन को ठंडा करना। ओके, हाँ जी, जिसका काम क्या रहता है, इंजन को ठंडा करना काम रहेगा इसका। तो आपको बार बार कूलेंट भी बदलना पड़ेगा, कूलेंट बदलना मतलब खत्म हो जाएगा कूलेंट, तो आपको नया कूलेंट डालना पड़ेगा, उसमें उसका भी एडिशनली खर्चा होगा। तो ये इसमें ऐसी कोई चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो इन सारी चीजों से ये मुक्त है। उसके बाद में ये मोर रिलायबल है और इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती उतनी। क्यों नहीं होती, आप अच्छे समझते हो, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, कभी देखते कभी गए हो आप बाइक की सर्विस करवाने और उनको बोला कि भाई साहब मेरा एयर कूलिंग सिस्टम है उसको चेक कर दो यार, जरा नहीं करते अपने जनरली ऐसा। सर ये ब्लू कलर का होता है ना, क्या क्या ब्लू कलर का होता है, किसके बारे में कहना चाहते हो, क्या होता है ब्लू कलर का ये, यानी क्या कूलेंट, कूलेंट ब्लू कलर का नहीं होता, कूलेंट ग्रीन कलर का होता है जनरली, मैंने जितना जितनी जगह देखा है वो उतना ग्रीन कलर का देखा है, बाकी होने को हो भी सकता है ब्लू कलर का, कोई विशेष बात नहीं है। हाँ जी, तो इनमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एयर कूल्ड इंजन जो होते हैं उनको हम हाई वर्किंग टेम्परेचर पे वाटर कूल्ड इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा काम में ले सकते हैं, ठीक है, और एयर कूलिंग इंजन जो होते हैं उनमें कोई भी कूलेंट लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनमें कूलेंट डलता ही नहीं है, कूलेंट डलेगा नहीं तो लीक क्या करेगा। ओके, मेरे पास पैसे आएंगे नहीं, ठीक है, मेरे पास पैसे आएंगे नहीं तो तंगी कैसे आएगी, पैसे नहीं है जी। उसके बाद में बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में कि एयर कूलिंग इंजन जो होते हैं उसके नुकसान क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट नुकसान इसमें ये रहता है कि अनइवन कूलिंग करता है। अनइवन का मतलब क्या हो गया कि सभी जगह एक समान कूलिंग नहीं करता, जहां पे हवा लग रही है वहां पे ज्यादा कूलिंग करेगा, जहां पे नहीं लग रही वहां पे नहीं करेगा, ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज रहता है। उसके अलावा बात करते हैं इंजन टेम्परेचर जो होता है वो वर्किंग पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। कैसे, अब आप बाइक ड्राइव करते हो तो बाइक का इंजन बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाता, आप थोड़ी लंबी ड्राइव करते हो उसके बाद में, तो बस वही सेम चीज है कि इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। कार का उतना हाई नहीं हो पाता, ट्रैक्टर का उतना हाई नहीं हो पाता, क्योंकि उनके अंदर वाटर कूलिंग इंजन सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम रहता है।
प्रत्येक सिलेंडर जो होगा उसको अलग अलग आपको प्लांट करना पड़ेगा। ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि एयर कूलिंग इंजन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, हर सिलेंडर को अलग अलग करना पड़ेगा, आप उन्हें ब्लॉक में नहीं रख सकते। तो उनकी वजह से आपको फिन डिजाइन और कास्टिंग भी करनी पड़ेगी सबकी अलग अलग। फिन डिजाइन आप समझते हो, पंख बना दिए उनको कहते हैं फिन डिजाइन। तो आप हर सिलेंडर को अलग अलग रखोगे, अलग अलग उसका चैम्बर बनाओगे, तो उनके अंदर आपका खर्चा ज्यादा आ जाएगा, प्लस आपका जो वो होगा वो बड़े साइज का बन जाएगा, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सिंगल सिलेंडर इंजन और वहां पे ये ठीक रहता है। इसीलिए जो हल्के व्हीकल होते हैं, जो हल्के वाहन होते हैं, उनके अंदर एयर कूलिंग सिस्टम को काम में ज्यादा लिया जाता है, बड़े साधनों में एयर कूलिंग सिस्टम को काम में कम लिया जाता है। ये केवल छोटे इंजन जो होते हैं उनमें काम में लेते हैं, जैसे कि आपके ब्रश कटर हो गया, आपके वीडर इंजन हो गया, पोर्टेबल इंजन हो गया, या लॉन मोवर वगैरह हो गया, इस प्रकार के इंजनों में एयर कूलिंग इंजन को काम में लिया जाता है, एयर कूलिंग सिस्टम को काम में लिया जाता है। तो होपफुली आप सारे लोग समझ चुके हो एयर कूलिंग इंजन क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ऐसे इंजन जिनके अंदर जल जो होता है उसे एक कूलिंग मीडियम यानी एक शीतलन माध्यम के तौर पे काम में लिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, वाटर कूल्ड इंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, पानी जो होगा वो सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेट करने का मतलब क्या होता है, घूमना, राउंड काटना, चक्कर लगाना। ठीक है, पूरे इंजन के अंदर क्या करेगा, पूरे सिलेंडर के अंदर या इंजन पार्ट्स के अंदर क्या रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जैसे आपने सिलेंडर पढ़े थे उस टाइम सिलेंडर ब्लॉक आपने पढ़ा, जो सिलेंडर की साइड की वॉल्स होती है उनको सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। तो उनके अंदर क्या था, वाटर जैकेट थी कि नहीं थी उनके अंदर, तो वाटर जैकेट होंगी, उन वाटर जैकेट में से पानी आता जाएगा जाता जाएगा आता जाएगा जाता जाएगा। ठीक है, ठंडा पानी भेजा जाएगा, वो गर्म होगा, फिर से आगे भेज दिया जाएगा, ठंडा आएगा, गर्म होगा, फिर से आगे भेज दिया जाएगा, फिर वो ठंडा होकर के फिर से लौट आएगा। तो इस तरीके से चक्कर काटता जाएगा पानी। ठीक है, कहाँ पे, सिलेंडर की वाटर जैकेट में। ओके, और जो पानी होगा वो हीट को आपके एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, तो जो हीट होगी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, जल के द्वारा। ओके, और पानी क्या रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा वहां पे। इस द हीटेड वाटर इज कंडक्टेड थ्रू ए रेडिएटर टू रिमूव द हीट एंड कूल द वाटर। अब जो हीटेड पानी होगा, मैं आपको एक हल्के से डायग्राम से बता देता हूँ इस चीज को, उसके बाद में हमें इसे अच्छी डिटेल में पढ़ते हैं। होगा क्या, ये आपके सिलेंडर रहता है, ये सिलेंडर की क्या है, साइड की वॉल्स हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं, क्या सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या चीज रहती है, वाटर जैकेट रहते हैं। जब हमने सिलेंडर पढ़ा था इंजन वाले आईसी इंजन के कंपोनेंट्स वाले लेक्चर में, यानी सेकंड लेक्चर में, उस टाइम हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। तो इसके अंदर वाटर जैकेट रहते हैं, तो क्या होगा, ये रेडिएटर होगा, रेडिएटर के अंदर क्या रहता है, पानी रहता है। आप सबने ट्रैक्टर में रेडिएटर देखा ही होगा, नहीं देखा तो हम आगे देख लेंगे, जिनको समझ आ रहा है उनको बेहतरीन, और जिनको नहीं आ रहा उनको आगे समझ आ जाएगा। इसके अंदर पानी रहता है और ये पानी भेज दिया जाएगा कहाँ पे, आपके सिलेंडर ब्लॉक को। कौन सा पानी होगा, ये ठंडा पानी होगा। ठीक है, ठंडा पानी भेज दिया जाएगा, सिलेंडर हेड के अंदर गर्मी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, पानी जो होगा वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ से पानी निकल के कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से रेडिएटर में। ये जो पानी पहुंच रहा है वो आपके कैसा रहेगा, गर्म पानी रहेगा। रेडिएटर के बिल्कुल पीछे की साइड में एक पंखा लगा रहता है, रेडिएटर के बिल्कुल पीछे की साइड में एक पंखा लगा रहता है, जो किसके द्वारा चलता है, इंजन के द्वारा चलता है। इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन से ये वाला पंखा भी घूमता रहता है साथ साथ। जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करते हो फैन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार आप देखते हो कि कुछ गाड़ियों के अंदर फैन स्टार्ट नहीं होता, और ये फैन चलता कैसे, अभी एक बेल्ट की सहायता से चलता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फैन बेल्ट कहते हैं, या फिर वी बेल्ट भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो इनकी सहायता से ये आपके फैन स्टार्ट हो जाता है। ये फैन स्टार्ट होगा तो जिस तरीके से आपके घरों के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, वो क्या काम करता है, वो काम यही करता है कि वो बाहर से हवा को अंदर किचन के अंदर से हवा को खींच के बाहर छोड़ देता है। तो ये फैन भी उल्टा लगा रहता है, और ये क्या काम करेगा, बाहर से हवा को अंदर की तरफ क्या करेगा, सक करेगा, यानी सक्शन करेगा, उसे अंदर की तरफ खींचेगा। अंदर की तरफ खींचेगा तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आएगी, और रेडिएटर के अंदर जो ट्यूब्स होती है जिनके अंदर से पानी गुजर के निकल रहा होता है, उन ट्यूब्स को भी ये हवा क्रॉस करेगी। इस हवा के कारण ये जो रेडिएटर के अंदर पानी होगा वो पानी फिर से ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद में फिर से ठंडा पानी कहाँ भेज दिया जाएगा, यहाँ भेज दिया जाएगा। इस तरीके से ये सारा का सारा चलता रहता है। ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बेसिक बता दिया किस चीज का, कूलिंग सिस्टम का, कि कौन सा कूलिंग सिस्टम का, वाटर कूलिंग सिस्टम का। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की वाटर कूलिंग इसी प्रकार की होती है, यहाँ पे कुछ और मेथड्स होते हैं, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं वाटर कूलिंग के भी। तीन प्रकार है, ओपन जैकेट और होपर मेथड, थर्मोसाइफोन मेथड और फोर्स सर्कुलेशन मेथड। जो मैंने आपको बताया वो कौन सा बता दिया मैंने आपको, डायरेक्ट
फोर्स सर्कुलेशन मेथड बता दिया, लेकिन ये समझ लिया तो बाकी को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है। ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन बात करते हैं वन बाय वन सबके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओपन जैकेट मेथड के बारे में। देखिए जैकेट क्या चीज़ होती है, अगर मैं इंजीनियरिंग आपको ना पढ़ा रहा होता और मैं बोलता कि जैकेट लेके आओ, तो आप लोग क्या समझते? आप लोग समझते एक तरीके से जो पहना जाता है वो वाली जैकेट आप समझते, ठीक है। जैकेट उस चीज को मान सकते हैं अपने जो किसी बॉडी को कवर कर लेती है, हमारी बॉडी को जो कवर कर लेती है, बॉडी को ढक लेती है, क्या वही चीज जैकेट होती है क्या? ऑफ कोर्स वही चीज जैकेट होती है जो हमारी बॉडी को कवर कर लेती है। तो यहाँ पे भी क्या कर दिया गया, नीचे यहाँ पे ये आपका इंजन था, ये एक स्ट्रक्चर बना दी गई, एक बड़ा सारा होल सा बना दिया गया और उस एक खाली जगह बना दी गई, उसके अंदर पानी भर दिया गया, ठंडा पानी भर दिया गया। आपने भरा जिस तरीके से आप कूलर भरते हो ना, उसी तरीके से, ठीक है, आपने पानी भर दिया यहाँ पे। और पानी ने क्या किया कि जो बीच में सिलेंडर जो था, उस सिलेंडर के चारों ओर पानी पानी हो गया। अब आपने जो पानी डाला है वो हो गया, यानी क्रैंक केस के चारों तरफ आपने पानी भर दिया। अब क्या होगा, ऑब्वियसली ये एयर टाइट होगा, पानी अंदर नहीं जा पाएगा सिलेंडर के। आपने ये काम कर दिया, अब इंजन जो सिलेंडर गर्म होगा, तो गर्म होने से ये वाला पानी भी गर्म होगा। जब ये पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक ड्रेनेज चैनल लगा रहता है, जैसे कूलर के अंदर नहीं होता, नीचे की तरफ एक वो लगा रहती है, एक वॉल्व सी लगी रहती है, आप उसको निकाल लेते हो तो वो कूलर से सारा पानी बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, वो आप जैसे वॉल्व हटा लोगे तो ये गर्म पानी सारा का सारा इस होपर से या इस जैकेट से बाहर निकल जाएगा और फिर से आप इसके अंदर नया पानी डाल दोगे तो वो नया पानी फिर से इंजन को ठंडा करने का काम करेगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है किस चीज का, वाटर कूलिंग का। ओके, बात करते हैं वन बाय वन इसके बारे में कि देयर इज ए होपर और जैकेट। अब होपर क्या होता है और जैकेट क्या होता है आप अच्छे से समझ चुके हो। कंटेनिंग वाटर, इस ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं होपर या जैकेट। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो स्पार्क प्लग को, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं देयर इज ए होपर और जैकेट कंटेनिंग वाटर विच सराउंड्स द इंजन सिलेंडर। ये एक होपर या फिर जैकेट जैसी संरचना रहती है जो क्या करती है, सराउंड का मतलब फिर से वही हो गया, चारों ओर से घेरे रखना। तो जो क्या करेगी, जो चारों ओर से घेरे रखती है किस चीज को, इंजन सिलेंडर को। सो लॉन्ग एज द होपर कंटेन्स वॉटर द इंजन कंटिन्यूस टू ऑपरेट सेटिस्फैक्टरी। कि जब तक होपर के अंदर पानी रहता है इंजन क्या करता है, आपके अच्छे से काम करता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पानी चेंज ही करना होगा, कई बार क्या होगा कि पानी हो सकता है इसमें वॉटर लेवल अपने आप डाउन हो जाए। कैसे डाउन हो जाए, पानी भाप बन के उड़ जाए तो पानी का लेवल कम हो जाए, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम से हो सकती है। As soon as the water starts boiling, कि जैसे जैसे पानी क्या होगा उबलना स्टार्ट कर देगा, आप क्या करोगे उसे और पानी उसमें डालते रहोगे, पानी उबल के यहाँ से उड़ना स्टार्ट कर देगा, आप उसमें वो ठंडा पानी डालते रहोगे, ठीक है। द होपर इज लार्ज इनफ फॉर सेवरल hours विदाउट refilling, कि ये होपर इतना बड़ा होगा जिसको आप कई घंटे तक, आप बिना पानी को बदले कई घंटे तक इसको चला सकते हो। जैसे कूलर के बारे में बात करें तो कूलर को भी आपने एक बार भर दिया तो आप 7-8 घंटे आराम से उसे चला सकते हो, उसके बाद में उसे दोबारा रिफिल करने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से इसके अंदर भी सेम सिस्टम रहता है। कूलर के अंदर बस वो पंखों के साथ क्या करेगा, बाहर पानी थोड़ा सा फेंकता रहता है, वेस्ट करता रहता है, थोड़ा पानी इवेपोरेट हो जाता है टेम्परेचर के कारण, वो वाला इफेक्ट होगा। इसके अंदर क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ता रहेगा, ठीक है, चीज सेम ही होगा, कंसेप्ट दोनों में ऑलमोस्ट आप कंपेयर कर सकते हो। एक ड्रेन प्लग, ड्रेन प्लग वही वाला नीचे छेद बताया मैंने जिसको वाल्व को आपने निकाल लिया, निकालने के बाद में पानी वहां से बह गया, तो अब आपको उसे पानी निकालना है। तो वही चीज है यार, आप सोच के देखो, यहाँ से इस जगह से आपको इसके अंदर आपने पानी डाल दिया, वो पानी आपको निकालना है। आप किसी भी चीज की सहायता से निकालोगे, कोई ग्लास की सहायता से या किसी और टूल की सहायता से आप निकालने की कोशिश करोगे तो उबलता हुआ पानी होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए वो ड्रेन चैनल या ड्रेन प्लग भी दे दिया गया आपके नीचे वाले हिस्से में, लो एक्सेसिबल पोजिशन का मतलब क्या हो गया, निचले हिस्से में, ठीक है, ताकि सारा का सारा पानी निकल जाए। फॉर ड्रेनिंग वाटर एज एन वेंट रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब आप उसको ड्रेन कर सकते हो, ठीक है। ये जो ड्रेन वर्ड है वो ड्रेन वर्ड आप कई जगह पढ़ते हो, एक तो आप एग्रोनॉमी में पढ़ते हो, जब आप इरिगेशन पढ़ते हो तो इरिगेशन के साथ साथ आप ड्रेनेज पढ़ते हो, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, निकासी। दूसरा, अगर आपके घरों में वॉशिंग मशीन होगी तो उसके अंदर एक ऑप्शन रहता है जिसको बोलते हैं ड्रेन, पानी को वॉशिंग मशीन से बाहर निकालने के लिए आपको ड्रेन मोड पे लेके जाना पड़ता है उसे, तो वो ड्रेन वर्ड भी आप वहां से नोटिस कर सकते हो। तो ये जनरल चीजें होती है, आप डेली लाइफ में भी सारी चीजों को देख सकते हो। यहाँ से साइंस को देखा, इसके बेस पे दूसरी चीज बना दी, दूसरी जगह से साइंस को देखा, उसके बेस पे तीसरी चीज बना दी, तो साइंस वही चीजें घूमती रहती है बार बार। ओके, तो मुझे बताइए कि ओपन जैकेट मेथड तक आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई, उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं इसके दूसरे टाइप, ठीक है, थर्मोसाइक्लोन टाइप स्टार्ट करते हैं वाटर कूलिंग का। हाँ जी, तो ओपन जैकेट मेथड हो गया, सेकंड बात करते हैं आपको कौन सा, थर्मोसाइफन मेथड के बारे में। इसमें क्या बोल दिया गया, इसके अंदर हमें रेडिएटर की जरूरत भी पड़ेगी, वाटर जैकेट की जरूरत भी पड़ेगी,
फैन की जरूरत भी पड़ेगी, टेम्परेचर गोज की जरूरत भी पड़ेगी और होज की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं रेडिएटर क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो क्या होता है रेडिएटर। फिर से अपने रेडिएटर इन सारे पार्ट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, इस स्लाइड में ऐड कर रखा है मैंने। वाटर जैकेट भी आप समझते हो क्या होता है, वाटर जैकेट सिलेंडर ब्लॉक जो होंगे उनके अंदर जो जगह रहती है जहां से पानी सर्कुलेट करता है उस चीज को बोलते हैं। फैन मैंने आपको अभी समझाया, रेडिएटर के बिल्कुल पीछे की तरफ एक फैन लगा रहता है। टेम्परेचर गोज जिसका काम क्या होगा, टेम्परेचर नापने का, टेम्परेचर कितना हो गया। आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है यानी डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के अंदर जहां आपको सारी रीडिंग्स दिखाई देती है, स्पीडोमीटर वगैरह ये चीजें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसी पार्ट को बोलते हैं किसी भी व्हीकल के, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, आपके आरपीएम मीटर, उसके अलावा आपको बेसिक और डिटेल्स जो होती है इंजन संबंधित वो मिलती है वहां पे। एक आप देखते हो, एक तो फ्यूल गेज रहता है, ठीक है, फ्यूल गेज के साथ साथ एक टेम्परेचर गेज भी रहता है जो आपको बताता है कि टेम्परेचर आपके गाड़ी का ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो टेम्परेचर गेज का पार्ट यहाँ लगा रहता है, मीटर कहाँ लगा रहता है, आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। होज यानी होज को आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, होज किसे बोलते हैं, नलियों को या पाइप्स को बोलते हैं होज, बस इतने मानो एक बार के लिए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होगा वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका सिंपल प्रिंसिपल है, वो कहता है कि भाई साहब आपने क्या कर रखा है, पानी डाल रखा है। ठीक है, किसी भी जगह आपने इतना पानी डाल रखा है तो यहाँ अगर नीचे से आप उसे गर्म कर रहे हो तो गर्म करने के बाद में जो पानी गर्म हो जाएगा वो पानी नीचे से ट्रांसफर होकर के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी गर्म पानी ऊपर रहता है और ठंडा पानी नीचे रहता है। ठीक है, गर्म पानी यहाँ से बाद में वाष्प बन के निकल लेगा। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, जिस सिंपल कंसेप्ट पे आपका ये सारा का सारा टिका रहता है, थर्मोसाइफोन मेथड, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट हीटेड वाटर विच सराउंड्स द सिलेंडर बिकम्स लाइटर, हल्का हो जाता है, जो गर्म पानी होगा वो हल्का हो जाएगा एंड राइजेस अपवर्ड और ऊपर की तरफ उठ जाएगा किसी भी लिक्विड कॉलम में, यानी जो भी जल स्तर होगा उस जल स्तर में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि वो हल्का हो जाएगा गर्म होने के कारण। इतने सिंपल कंसेप्ट पे ये काम करता है सारा का सारा सिस्टम। इसमें होता क्या है, गर्म पानी जो होगा वो रेडिएटर में चला जाता है जहां से ये फिर से जो उसमें नलिकाएं होती हैं, जो नलिकाएं चारों तरफ से हवा से घिरी रहती है, उन नलिकाओं में चला जाता है और इन हवा के कारण वो पानी फिर से ठंडा कर दिया जाएगा और यहाँ से फिर से कहाँ भेज दिया जाएगा, वाटर जैकेट में भेज दिया जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू रीजन दैट वाटर जैकेट एंड रेडिएटर आर कनेक्टेड एट बोथ साइड एट टॉप एंड बॉटम। अब ये पानी का सर्कुलेशन इसके अंदर इसलिए होता रहता है कि ये आपके जो वाटर जैकेट और रेडिएटर होंगी वो दोनों तरफ से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, इसलिए आपका पानी सर्कुलेट करता रहता है। ए फैन इज ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ टू सक एयर थ्रू ट्यूब्स ऑफ द रेडिएटर यूनिट कूलिंग रेडिएशन रेडिएटर वॉटर। एक पानी जो एक फैन होता है वो फैन आपके यूज करते हैं जिसको किसकी सहायता से चलाया जाता है, वी बेल्ट की सहायता से चलाया जाता है। और ये आपके वी बेल्ट कहाँ किस कौन से पार्ट से जुड़ा होगा, ये सिमिलरली क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। क्रैंक शाफ्ट जैसे जैसे गोल घूमती है वैसे ही आपका फैन गोल घूमता है, क्रैंक शाफ्ट और फैन बेल्ट से जुड़े रहते हैं। ओके, और ये फैन क्या काम करेगा, फैन हवा को अंदर की तरफ खींचेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपके रेडिएटर को और ज्यादा मात्रा में हवा मिलेगी। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या होगी इस सिस्टम की, जो हवा जो सर्कुलेशन होगा पानी का वो कई बार रुक जाता है, वो रुकने का कारण क्या होगा कि आपकी जो नलिकाएं होती है पाइप्स की सहायता से जाता है पानी, जो नलिकाएं होंगी उनके अंदर स्केल, स्केल किस चीज को बोलते हैं, पपड़ी को बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उनके अंदर पपड़ी वगैरह जमा हो जाएगी। पपड़ी ये हो सकता है कि कार्बन की हो सकता है किसी फॉरेन मैटर यानी धूल मिट्टी की हो या किसी भी और अन्य पदार्थ की हो, तो उनकी पपड़ियां जमा हो जाती है कई बार पाइप्स के अंदर, जिसके कारण पानी का आना जाना रुक जाता है और आपके प्रॉपर आपके कूलिंग नहीं हो पाती इंजन की। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी रहता है थर्मोसाइफोन मेथड का। होपफुली आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा जैसा कि मेरे को लग रहा है, इसलिए आप ये इमेज देखोगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल समझा देता हूँ, सबसे पहले मैं उस पार्ट से जो पार्ट आप अच्छे से समझते हो, ये आपका सिलेंडर हो गया। अब यहाँ पे सिलेंडर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, उसके अंदर आपको पिस्टन विस्टन सिलेंडर हेड ये चीजें नहीं दिखाई गई। ये आपके कूलिंग वाटर पैसेज हो गया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे वाटर जैकेट है, यहाँ पे एक और वाटर जैकेट आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या चीज हो गया, सिलेंडर हो गया और सिलेंडर के अंदर क्या हो गए, वाटर जैकेट्स हो गए। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल आगे आगे आपको जो दिखाई दे रहा है ऊपर से लेकर के सारा पार्ट, वो सारा का सारा क्या पार्ट है, रेडिएटर है। ठीक है, ये सारा पार्ट क्या है, रेडिएटर है। रेडिएटर के साथ में आप ये नलिकाएं दिखाई दे रही होगी आपको, तो ये नलिकाएं किसके अंदर रहती है, रेडिएटर के अंदर पाइप्स रहती है। इन पाइप्स के अंदर ये क्या काम करता है, आपके पानी घूमता रहता है, बाहर से हवा अंदर की तरफ खींची जाती है, तो हवा के कारण ये पानी जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। ऊपर पानी रहता है वो बॉइल्ड वाटर रहता है, नीचे जो रहता है वो कूल्ड वाटर रहता है। ठंडा पानी नीचे रहेगा और गर्म पानी ऊपर रहेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे तो काम कर रहा था ना ये सारा का सारा सिस्टम। अब यहाँ पे भी वो सेम कंसेप्ट लग रहा है और यहाँ पे भी वो सेम कंसेप्ट लग रहा है। इसके अंदर हमें किसी पंप की जरूरत नहीं होती, ये चीज ध्यान में रखना।
क्या हमें किसी पंप की जरूरत है? आपको डायग्राम में कोई भी पंप दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कोई पंप नहीं है। क्यों नहीं है पंप? क्योंकि जरूरत ही नहीं है भाई साहब। इसमें प्रिंसिपल ही सिंपल है, गर्म पानी हल्का हो जाएगा ऊपर रहेगा, ठंडा पानी लाइट हो जाएगा नीचे रहेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, नीचे से सप्लाई किया जाएगा फ्यू आपके ठंडा पानी, वो उनमें से जो गर्म हो रहा होगा वो गर्म होकर के यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ से फिर से मूवमेंट करके बोल्ड वाटर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, इनको होज बोलते हैं, जो नलिकाएं होती है इनको होज बोलते हैं, जिनसे रेडिएटर कनेक्टेड रहता है आपके आगे वाटर कूलिंग सिस्टम से, उनको होज बोला जाता है। एक बार फिर से इसको अगर समझना चाहें अपने, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, रेडिएटर सॉरी सिलेंडर हो गया, ये वाला पार्ट जो आपके सामने है वो सिलेंडर है। ये सिलेंडर के चारों ओर एक कवर हो गया जिसके अंदर पानी मूवमेंट करता है। अब सिलेंडर क्योंकि गर्म होगा तो गर्म होने के कारण इसके आसपास जो पानी होगा वो भी गर्म हो जाएगा। गर्म पानी यहाँ से भेज दिया जाएगा कहाँ पे? आपके रेडिएटर के पास। ठीक है, और रेडिएटर क्या काम करेगा? हवा के कारण इस पानी को ठंडा कर देगा। और अब ये पानी ठंडा होकर के कहाँ भेज दिया जाएगा? फिर से आपके सिलेंडर को। सिलेंडर से फिर से हीट को एब्जॉर्व करेगा और हीट को एब्जॉर्व करके फिर से भेज दिया जाएगा। यानी यूं करके ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताइए क्या थर्मोसाइफोन सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया आपको? थर्मोसाइफोन कूलिंग सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में बात करते हैं तीसरे सिस्टम के बारे में। तीसरा सिस्टम कौन सा है आपके वाटर कूलिंग का? फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। अब जैसे ही फोर्स वर्ड आ गया ना, फोर्स किसे किया जाता है? जैसे ऐसा होता है कि हमारा कई बार मन नहीं होता। ठीक है, मेरे लिए बताऊं तो मेरा मीठा खाने का बहुत कम मन करता है, और मुझे कोई मीठा देता है तो मैं उसे मना कर देता हूँ। कई बार मैं किसी रिलेटिव्स के घर जाता हूँ तो रिलेटिव्स मीठा देते हैं, मैं उनको मना कर देता हूँ। अब रिलेटिव्स के घर क्या रहता है कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए, एक सोशल में रिलेशन मेंटेन करने के लिए, वो जबरदस्ती वो चीज़ें करनी पड़ती है जो हम नहीं करते। तो फिर वहाँ पर मैं उनको मना करता हूँ, फिर मैं उनको बोलता हूँ मुझे फोर्स मत करो यार ये करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ें फोर्स क्या होती है? मजबूर करना, जो हम नहीं करना चाह रहे वो भी करने के लिए मजबूर करना। और फोर्स कैसे किया जा सकता है? ठीक है, फोर्स किया जा सकता है आपको बाहरी बल लगा करके। ठीक है, वो रिलेटिव से अपने घर में बुला रखा है, बल लगा रहे हैं बाहरी। ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल या फिर सोशल ब्लैकमेल जो भी है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझना इस चीज़ को, मान लो पानी की टंकी ऊपर है। ठीक है, अब जैसे आपके घरों में पानी की टंकी छत के ऊपर ही रहती है, वहां से जब नल में आप पानी लेना चाह रहे हो, नीचे बाथरूम में आप नल में पानी लेना चाह रहे हो, तो आपको किसी मोटर चलाने की जरूरत नहीं है, वो ग्रेविटेशन के कारण ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। लेकिन जो आपके पानी की टंकी नीचे है, वहां से आपको टंकी में ऊपर पानी चढ़ाना है, तो उसके लिए आपको बीच में मोटर लगानी पड़ रही है। तो वो मोटर क्या काम कर रही है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जबरदस्ती उस पानी को ऊपर की तरफ लेकर के जा रही है, तो आपको उसे मोटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। अगर आप डिफरेंस देखना चाहोगे तो मैं आपको एक बार फिर से डिफरेंस बता देता हूँ कि वाटर कूलिंग सिस्टम में ये ओपन जैकेट मेथड हो गया, इसमें कोई रेडिएटर की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या कर दिया? बस जो सिलेंडर था उसके चारों ओर पानी भर दिया, बस कुछ नहीं किया, बस इतना कंसेप्ट। इसके अंदर हमने रेडिएटर वगैरह इंट्रोड्यूस करवा लिया, लेकिन कोई मोटर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई इसमें, समझे ना इस चीज को। ये डिफरेंस था, कोई भी मोटर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। अपने आप क्या प्रिंसिपल पे? गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, ठंडा पानी नीचे रहेगा, बस इस प्रिंसिपल पे सारा का सारा काम करेगा। इमेज में आप देख पा रहे हो, ठंडा पानी नीचे की तरफ से जाता है, गर्म पानी ऊपर की तरफ से चला आता है। नीचे की साइड से ठंडा पानी भेजा जाता है, ठंडा पानी नीचे रहता है, गर्म पानी ऊपर रहता है, यहाँ से फिर से रेडिएटर में पहुंच जाता है। तो इसका सिंपल कंसेप्ट था, कोई इसमें मोटर नहीं लगी हुई। ठीक है, बस इसमें और उसमें डिफरेंस इतना ही है। यहाँ अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या कर दिया गया? सबसे पहली बात इसमें ये बोल दी गई कि इसके अंदर एक वाटर पंप काम में लिया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है ना, फोर्स। ठीक है, सर्कुलेशन तो उसमें भी हो रही थी, लेकिन इसके अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है वहां पे हम फोर्सफुली सर्कुलेशन करवा रहे हैं, एक पंप की सहायता से सर्कुलेशन करवा रहे हैं। ये सबसे कॉमन कूलिंग सिस्टम है जो आपकी कार्स में या देखने को मिलता है। इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, एक वाटर पंप को यूज करेंगे, पानी को फोर्स करवाएंगे हम रेडिएटर से कहाँ पे? इंजन के जो जैकेट होंगे उसके अंदर। अब फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम में और थर्मोसाइफोन सिस्टम में केवल डिफरेंस आप मोटा मोटा मानना चाहो तो एक वाटर पंप का मान सकते हो, उसके अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म में कोई खास डिफरेंस नहीं है, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं इसमें। अब ऐसा जरूरी नहीं होता, देखो मोटर लगा दी तो मोटर को चलाना भी पड़ेगा। ठीक है, उसको चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं जितनी देर तक मैं व्हीकल को ऑन रख रहा हूँ उतनी देर तक मोटर चलती रहे। उस मोटर को भी तो पता होना चाहिए ना कब मुझे चलना और कब मुझे नहीं चलना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में अगर कहीं पे गीजर लगा होगा, ठीक है, कहीं के घरों किसी के घर में अगर गीजर लगा होगा, गीजर भी कौन सा? इलेक्ट्रिक गीजर लगा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक गीजर में एक फंक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोकट बोलते हैं इसे। ऑटोकट का मतलब क्या होता है? मान लो मैं गया बाथरूम में, मेरे घर पे लगा इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है, और मैं गया मान लो बाथरूम में। अब क्या हुआ, मैंने बटन ऑन कर दिया, मैंने कहा नहाने का मन हो रहा है भाई, बटन ऑन करते हैं, गर्म पानी आएगा, गर्म पानी से नहाएंगे मजे से।
मैंने बटन ऑन कर दिया, फिर मैं आया अपने रूम में, क्योंकि 10-15 मिनट तो लगेंगे ना पानी को गर्म होने के लिए। मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट है, यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेते हैं। मैंने यूट्यूब खोला और मैं एक वीडियो देखने लग गया। एक वीडियो के बाद में फिर जैसे ही वीडियो खत्म हुई तो उसके नीचे एक सजेशन आया, बहुत ही अच्छा सा, बहुत अट्रैक्टिव सजेशन था। मैं खुद को रोक नहीं पाया उस सजेशन पर जाने, और मुझे खुद को पता नहीं लगा कि कब वो यूट्यूब की एक वीडियो मेरे 4-5 घंटे में बदल गई। होता ना ऐसा, आमतौर पर होता है ऐसा। तो वो जो 4-5 घंटे जो थे, अब वो 4-5 घंटों में तो यार मेरे तो बिजली के बिल के बम्बू बोल जाने चाहिए थे ऐसे, क्योंकि मैंने गीजर ऑन रख रखा था। 4-5 घंटे तक आपके अगर गीजर चलता रहेगा तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आएगा, और अगर रोज रोज ये चीजें होंगी मेरे साथ में, ठीक है चलो एक दिन आ गया, एक दिन 4-5 घंटे गीजर ऑन रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सहन कर लेंगे। अगर 30 के 30 दिन मेरे साथ ऐसा हो, लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधा कोई है नहीं, और 30 के 30 दिन में तो फोन के चक्कर में आकर के रोजाना गीजर क्या कर रहा हूँ, चालू रख रहा हूँ, तो मेरे तो भाई फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत बड़ा आएगा। तो वहां पे नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी बिल बड़ा, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि गीजर के अंदर क्या लगा रहता है, एक थर्मोस्टेट वॉल्व लगी रहती है गीजर के अंदर की, जो क्या काम करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा पानी जब गर्म हो जाएगा तो उस कंडीशन पे आकर के इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देगा। बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कट। और जैसे ही पानी का तापमान उस पर्टिकुलर तापमान से कम होगा तो आपका गीजर फिर से अपने आप चालू हो जाएगा। बात समझ में आई ना, सेम सिस्टम यहाँ पे लगा है कि ये जो वाटर पंप होगा उसको 24 घंटे अपने चालू नहीं रख सकते, क्योंकि भाई साहब एनर्जी लग रही है, और कार में जितनी भी एनर्जी आ रही है, ठीक है, कार में जितनी भी एनर्जी आ रही है वो एनर्जी कहाँ से आएगी, आपके फ्यूल से आएगी, तो फ्यूल मुझे तो बचाना है। जैसे अगर मैं एसी को ऑन करूंगा तो आपकी एवरेज फिर से कम हो जाएगी, हीटर को ऑन करूंगा तो आपकी एवरेज फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो उनमें जो एनर्जी लग रही है वो फ्यूल से ही आ रही है, और मेरे को चाहिए मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी। इसलिए इनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म भी हम लगाते हैं जिसके कारण क्या हो, मोटर को कब चालू होना है और कब बंद होना है ये उसे पता हो अपने आप से, बार बार हमें बटन ऑन ऑफ ना करना पड़े उसका। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको, अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। आफ्टर सर्कुलेटिंग द इंजन रन ऑफ वेयर जैकेट वाटर कम्स बैक टू रेडिएटर वेयर इट लॉसेस इट्स हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। कि जो ये वाटर जैकेट होंगी इनके अंदर जो सारा का सारा पानी सर्कुलेट कर दिया जाएगा और वहां पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने के बाद में उस पानी को कहाँ पे भेज दिया जाएगा, रेडिएटर में भेज दिया जाएगा, जहां से ये जो पानी होगा वो अपनी ऊष्मा को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, किसके द्वारा, रेडिएशन की प्रोसेस के द्वारा। अब रेडिएटर क्या काम क्या होता है, रेडिएटर का काम होता है हीट को कम करना, पानी से हीट को कम करना, और उस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, रेडिएशन बोल दिया। ठीक है, जैसे कार्बोरेटर का काम था हवा और फ्यूल को मिक्स करना, और उस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, कार्बोरेशन बोल दिया। उसी तरीके से रेडिएटर का काम क्या, पानी से हीट को कम करना, और प्रक्रिया को हमने बोल दिया रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं तो मेंटेन द करेक्ट इंजन टेम्परेचर, कि इंजन का सही तापमान बनाए रखने के लिए एक थर्मोस्टेट वॉल्व, ये एक थर्मोस्टेट वॉल्व का काम में लिया जाता है। आपके आउटर एंड ऑफ सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के ऊपर की तरफ एक आपके थर्मोस्टेट वॉल्व काम में ली जाती है। अब ये वो थर्मोस्टेट वॉल्व है जो मैंने गीजर वाला आपको कंसेप्ट बताया, उसके अंदर जो ऑटो कट लग रहा था, तो आपके यहाँ पे ये वाटर पंप को कब चालू करना और कब बंद करना है इसको मेंटेन कौन करेगा, थर्मोस्टेट वॉल्व करेगा। कैसे करेगा, बात करते हैं उसके बारे में। कूलिंग लिक्विड इज बाईपास थ्रू द वॉटर जैकेट, कि जो वॉटर जैकेट होगा उसके साथ साथ पानी के साथ साथ किसको, कूलिंग लिक्विड, जो कूलेंट मैं आपको बता रहा था, उस कूलेंट को भी साथ साथ भेज दिया जाता है कहाँ पे, आपके इंजन के अंदर, और जहां से क्या काम कर लिया जाएगा, इंजन को ये डिजायर्ड टेम्परेचर पे ले आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म उसको आपके एक तरीके से ठंडा करता रहेगा इंजन को। ये जो थर्मोस्टेट वॉल्व होते हैं वो बाईपास वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जो पानी जो होगा, सॉरी, जो थर्मोस्टेट वॉल्व जो होता है जब वो खुल जाएंगे। अब थर्मोस्टेट वॉल्व कैसे खुलते हैं वो तो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये मानो कि ये जो लाइन है वो लाइन क्या कह रही है कि आप पानी को अंदर भेज रहे हो इंजन के, और ये जो लाइन है वो कह रही है कि आप गर्म पानी को फिर से रेडिएटर में भेज रहे हो। ठीक है, तो अगर क्या कर रहे हो, अगर आप कूलिंग लिक्विड को भेज रहे हो यानी ठंडे पानी को, और कूलेंट को इंजन में भेज रहे हो, तो उसके लिए एक बाईपास मेथड लगा रहता है। ठीक है, वहां से वाटर जैकेट में भेज दिया जाएगा, और जब पानी गर्म हो जाएगा उस टाइम क्या होगा, थर्मोस्टेट वॉल्व जो होगी वो अपने आप खुल जाएगी, और बाईपास जो आपका रास्ता होगा वो बंद हो जाएगा, यानी और ठंडा पानी अब उसमें आ नहीं आ पा रहा, और गर्म पानी जो होगा वो रेडिएटर में भेज दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी थर्मोस्टेट वॉल्व बंद हो जाएगी, अब क्या होगा, फिर से आपकी बाईपास खुल जाएगा और कूलिंग लिक्विड फिर से भेज दिया जाएगा कहाँ पे, आपके इंजन में। इस सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर वाटर पंप, रेडिएटर, फैन, फैन बेल्ट, वाटर जैकेट, थर्मोस्टेट वॉल्व, टेम्परेचर गेज और होज पाइप, इतने सारे कंपोनेंट्स इसके होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, अब आपको शायद होपफुली समझ में आ जाएगा अच्छे से है क्या इस डायग्राम में। सबसे पहले तो वो बात करते हैं, ये आपके सामने एक कार है,
ठीक है, कार में ये वाले पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि ये वाले पार्ट को जूम व्यू में दिखाया गया है, यानी कौन से कार के बिल्कुल फ्रंट पार्ट के अंदर क्या होगा, ये वाला सारा का सारा सिस्टम रहता है। ये जो आपके सामने ब्लॉक दिखाई दे रहा है वो ब्लॉक एक्चुअली में क्या है, रेडिएटर है। रेडिएटर के ऊपर आपको एक ढक्कन दिखाई दे रहा है जिसको प्रेशर कैप बोलते हैं, जहां से आप पानी को और ज्यादा भर सकते हो। जब आपके रेडिएटर में पानी का वाटर लेवल कम हो जाए तो आप पानी डाल सकते हो यहाँ से। ये ऊपर जो नलिका लगी रहती है इसको बोलते हैं अपर होज, और नीचे जो ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई होती है उसे बोलते हैं लोअर होज। रेडिएटर के जस्ट पीछे एक पंखा लगा रहता है, मैंने आपको बताया, और पंखा जो होगा वो वाटर पंप के साथ लगा रहता है। रेडिएटर के पीछे ये जो पार्ट है ना, इसके पास में वाटर पंप लगा रहता है, जो क्या काम करता है, ऑब्वियस है, ये वाली वो होज होगी जो आपके कूलेंट को अंदर भेजेगी, पंप की जरूरत ही यहीं पे है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे वाटर पंप लगा रहता है, वाटर पंप के जस्ट आगे फैन लगा रहता है। यहाँ ऊपर इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे थर्मोस्टेट वॉल्व लगी रहती है। होता क्या है, यहाँ रेडिएटर से पानी भेजा जाता है अंदर की तरफ, यहाँ से पानी पंप करके और यहाँ से फिर से वापस बाहर आकर के रेडिएटर में आता है। यानी यहाँ जो पानी आ रहा है वो पानी है गर्म पानी, और यहाँ जो पानी जा रहा है वो क्या है, ठंडा पानी। ठंडे पानी के जाते टाइम उसको रस्ते में देखने को मिलेगा वाटर पंप, गर्म पानी को आते टाइम उसको रस्ते में देखने को मिलेगा थर्मोस्टेट वॉल्व। इनके बारे में बात कर लेते हैं अपने। और यहाँ पे कूलेंट को सप्लाई करने के लिए एक पाइप रहती है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कूलिंग लाइंस, ठीक है। उसके बारे में एक और इमेज के बारे में बात करते हैं, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे समझ जाओगे इस चीज को। यहाँ पे ये प्रेशर रिलीज कैप रहेगी, ये आपके क्या हो गया, रेडिएटर हो गया। रेडिएटर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइनिंग्स आपको दिखाई दे रही है, वो अलग बहुत सारी ट्यूब्स है इसके अंदर, जिनका काम क्या होगा, हवा को सराउंड करने के कारण, हवा को आने के लिए जगह देना, ठीक है। होता क्या है, एक पॉइंट से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो अपने सारी मैकेनिज्म को इस जगह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेडिएटर के अंदर पानी है, और कैसा पानी है, ये ठंडा पानी है, ठीक है। ठंडे पानी को यहाँ से भेज दिया गया किसके द्वारा, लोअर होज के द्वारा, कहाँ, अंदर। यहाँ ये जो पार्ट लगा हुआ है वो क्या है, आपका पंप है। पंप जैसे ही ऑन हुआ, पंप को ऑन होते ही उसने क्या किया, पानी को खींचा, सक्शन किया, सक्शन किया तो यहाँ से पानी पहुंच गया कहाँ पे, आपके सिलेंडर में, ठीक है। पानी के साथ में कूलेंट भी आ गया, वो एक अलग चीज है, उसके आप कंफ्यूज मत हो ज्यादा। अब क्या होगा कि ये जो रास्ता है वो रास्ता बंद है, इस टाइम ये रास्ता बंद है, यानी पानी अंदर ही रहेगा आपके, कहाँ पे, सारे के सारे जो आपके कूलेंट चैम्बर है उसके अंदर पानी रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा, ओके। और आपका बाहर जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता इस टाइम बंद है, थर्मोस्टेट वाल्व जो है उस टाइम बंद है। अब जैसे ये जो पानी होगा, वो पानी जो हमने भेजा है वो तो ठंडा पानी भेजा है, ठीक है। थोड़ी देर जब इंजन काम करेगा तो सिलेंडर गर्म होगा, तो गर्म होने के कारण पानी इसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेगा, तो एब्जॉर्व करने के कारण पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही पानी का टेम्परेचर एक निश्चित तापमान से अधिक हो जाएगा, तो उस तापमान को सेंस कौन करेगा, ये थर्मोस्टेट जो होगा उस तापमान को महसूस करेगा, और उस तापमान को जैसे ही महसूस करेगा तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जो होगा वो ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगा, और ये वाला जो वाल्व होगा ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये रास्ता, ये इसको बाईपास रास्ता बोलते हैं, ध्यान रखना, ये जो होता है इसे बाईपास बोलते हैं। ये रास्ता आपका बंद हो जाएगा और थर्मोस्टेट वाल्व आपका खुल जाएगा, यहाँ से जो गर्म पानी होगा वो फिर से रेडिएटर में भेज दिया जाएगा। रेडिएटर से फिर से वो हवा के प्रभाव के द्वारा और पंखे के यूज के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इस पानी को फिर से ठंडा कर दिया जाएगा। ठंडा करने के बाद में फिर से पंप की सहायता से अंदर भेज दिया जाएगा, ये वाले फिर से बंद हो जाएगा। जब पानी आपका गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो ये फिर से थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा, बाईपास रास्ता आपका बंद हो जाएगा, पानी फिर से रेडिएटर को भेज दिया जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या आपको ये चीजें समझ में आई है, नहीं आई, कि फोर्स सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है? ओके, तो यहाँ पे आगे, अरे कुछ पार्ट्स बच गए ना इसके, कूलिंग सिस्टम के कुछ पार्ट्स बच गए, ओके कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा खत्म। अभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करें कूलिंग सिस्टम के, तो सबसे पहला कंपोनेंट हो गया रेडिएटर। रेडिएटर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आप किसी भी ट्रैक्टर के या कार के बारे में अगर बात करें, तो कार का जो बम्पर होगा, बम्पर किसे बोलते हैं, जो बोनेट के नीचे वाला हिस्सा रहता है कार के सामने, फ्रंट का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसे बम्पर बोलते हैं। बम्पर के पीछे देखोगे तो वहां पे कुछ स्पेस सा रहता है, वो स्पेस क्यों रहता है, हवा आने के लिए स्पेस रहता है, क्योंकि उसके जस्ट पीछे, बम्पर के जस्ट पीछे क्या रहता है आपका, रेडिएटर रहता है। इसे ट्रैक्टर में देखोगे तो ट्रैक्टर में तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो, सबसे आगे आगे रेडिएटर ही होता है, ठीक है। और फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो कभी अपने घर वालों को रेडिएटर के अंदर पानी डालते हुए देखा भी होगा, कभी आपको ही बोला होगा कि रेडिएटर में पानी डाल दो, और आप डालते हो पानी, ठीक है। तो ये रेडिएटर रहता है, इस तरीके की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें बीच बीच में छेद रहते हैं ताकि हवा इसके आर पार जा सके, ओके। तो रेडिएटर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, इसका काम क्या होगा, ये हीट को एब्जॉर्व करने का काम करता है। जो पानी
जो पानी की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और एब्जॉर्ब करता कैसे, इसके चारों ओर हवा जो रहती है वो हवा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हवा गर्म हो जाती है और पानी ठंडा हो जाता है। रेडिएटर फ्लैट यानी कि क्या होता है, बिल्कुल समतल होगा, और उसके अलावा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है शेप के अंदर, यानी कि आयताकार होता है, ठीक है, इसकी लेंथ ज्यादा है और विड्थ क्या है, कम है। उसके बाद में बात करें तो इसके अंदर कई सारी ट्यूब्स होती हैं, जिन जो ट्यूब किस चीज की बनी होती है, कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम अलॉय की बनी रहती है। अब ये कॉपर या एल्यूमिनियम अलॉय की बनाए रखने का कारण ये है कि ये पानी से क्या कर लेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी कॉपर या एल्यूमिनियम अलॉय, और ये हीट को आगे ट्रांसफर कर देगी हवा को। और दूसरा मेटल अगर यूज करेंगे तो वो मेटल हो सकता है खुद ही हीट को एब्जॉर्ब करके रखने की प्रॉपर्टी वाला हो, इसलिए ये मेटल याद रखना जरूरी है इसकी। ये जो ट्यूब होगी उनको, उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, वो लार्ज सरफेस एरिया क्यों होगा, ताकि हवा इनके अधिक से अधिक संपर्क में आए, पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका क्या होता है, अधिक होता है। इनके जो फिन्स होते हैं, फिन्स आपको समझ में आ रहा है, ये जो प्रीवियस पार्ट दिखाई दे रहे हैं फिन्स है ये, वो फिन्स भी इनके साथ अटैच रहते हैं, जिनका काम क्या होगा, बढ़ा देना, जो पानी की जो गर्मी होती है उस गर्मी को दूर करना, एक्सेस हीट को रिमूव करना, उस चीज के प्रभाव को बढ़ा देना फिन्स का काम होगा। तो ये रेडिएटर है, रेडिएटर के बिल्कुल पीछे की तरफ फैन लगा रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेडिएटर है, ये रेडिएटर के ऊपर का प्रेशर कैप हो गया, और उसके जस्ट पीछे यहाँ पे फैन लगा हुआ है, और फैन का ये वाला हिस्सा अटैच रहता है किसके साथ में, वी बेल्ट की सहायता से अटैच रहता है किसके साथ में, आपके क्रैंक शाफ्ट के साथ, ठीक है। अगर इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं फोर्स सर्कुलेशन, तो फैन के बिल्कुल पीछे एक वाटर पंप भी लगा रहता है। अगर थर्मोसाइफन सिस्टम यूज कर रहे हैं फिर पंप नहीं होता, ठीक है, लेकिन जनरली यूज आपके फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम में होता है। कूलिंग फैन के बारे में बात करते हैं, तो ये एक पोजीशन इसकी कौन सी रहती है, आपके रेडिएटर और इंजन के बीच में रहता है, और ये चलता है ड्राइवन बाय इंजन क्रैंकशाफ्ट, तो इंजन की क्रैंकशाफ्ट होती है उसके उसके द्वारा ये चलता है, क्रैंकशाफ्ट गोल गोल घूमती है तो ये भी साथ साथ गोल घूमता है। माउंट का किसके साथ होता है, वाटर पंप शाफ्ट के साथ ये जुड़ा रहता है। अब वाटर पंप शाफ्ट के साथ कैसे जुड़ा रहता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके अलावा अगर बात करें तो ये उसी सेम बेल्ट के द्वारा चलता है जिसके द्वारा आपका पंप चलता है, यानी वाटर पंप चलता है और आपका डायनेमो चलता है। अब डायनेमो से अगर आपको कुछ बात याद आ रही हो तो इंजन पावर में मैंने आपको पढ़ाया था, एक था इंडिकेटेड हॉर्स पावर, एक था ब्रेक हॉर्स पावर। मैंने आपको बोला आपके मतलब कुछ चीज ब्रेक हॉर्स पावर होती है, जो वो फाइनल चीज होती है, ये वो पावर होती है जो पावर डिलीवर की जाती है क्रैंकशाफ्ट को, और क्रैंकशाफ्ट ये आपके व्हील्स को रोटेट करने में हेल्प करता है, मैंने ये भी आपको बताया था। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये ब्रेक हॉर्स पावर होती है उसको डायनेमोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसे डायनेमोमीटर द्वारा किया जाता है, तो वो डायनेमो वाली जो पावर है वो ब्रेक हॉर्स पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। पंखा जो होगा वो नॉर्मल एयर मूवमेंट को बढ़ा देगा। ऑब्वियस आपके रूम में मान लो पंखा बंद कर दो, आप पंखा बंद कर दिया तो क्या होगा, हवा तो वहां पे अभी भी है, हवा की जो भी पर्टिकुलर नेचुरल स्पीड है वो नेचुरल स्पीड रहेगी, लेकिन वहां पे पंखा लगा दिया तो उसने क्या कर दिया, उस हवा की स्पीड को बढ़ा दिया। पंखा हवा पैदा थोड़ी करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, तो बस वही है, यहाँ पे पंखा क्या काम करेगा, हवा की स्पीड को बढ़ा देगा, जिससे पानी क्या होगा वो रैपिडली ठंडा कर दिया जाएगा। बाकी वही सारी चीजें आप इनको देख लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद में बात करते हैं थर्मोस्टेट के बारे में। तो ये एक ऐसी वाल्व होती है जो वाल्व टेम्परेचर के सिग्नल के द्वारा, जैसे इसे तापमान का सिग्नल मिलेगा, तापमान का सिग्नल मिलने के कारण ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर लगे रहते हैं इसमें, तापमान का सिग्नल मिलेगा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर अगर उस टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा पानी का लेवल तो ये ओपन हो जाएगा, अदरवाइज ये क्लोज रहता है। अब जैसे ही ये ओपन होगा तो ओपन होने के बाद में यहाँ से पानी कहाँ चला जाएगा, रेडिएटर में चला जाएगा। इसके बाद में आपका वाटर पंप चालू हो जाएगा और वाटर पंप की सहायता से पानी, ठंडा पानी फिर से आपके इंजन अंदर भेज दिया जाएगा, ओके। फंक्शन क्या होगा थर्मोस्टेट का, रेगुलेट करने का, जो हीट होगी उस हीट को दूर करने का काम करेगा, ये भी किस तरीके से, आपके पानी जो होगा उसे गर्म पानी को रेडिएटर में भेज करके, ठीक है। तो सारी बातें वही है, नॉर्मली जो इंजन होता है उसका मोस्ट एफिशिएंट टेम्परेचर जो होता है वो 80 से 100 डिग्री के बीच में रहता है। फारेनहाइट में आपने ये पढ़ा तो 140 डिग्री फारेनहाइट से कितना था, 200 था क्या, जितना भी था आप चेक कर लेना। तो इतने टेम्परेचर पढ़ा हमने फर्स्ट स्लाइड में कि इंजन जो होता है वो इतने डिग्री फारेनहाइट पे बेस्ट काम करता है, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में 80 से 100 बोल दिया गया। तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर, ठीक है, पानी का टेम्परेचर 70-80 के आसपास होगा तो ये आपके थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा, और थर्मोस्टेट वाल्व खुलने के बाद में कहाँ चला जाएगा पानी, रेडिएटर में चला जाएगा। थर्मोस्टेट जो होती है वो आउटलेट, कूलिंग वाटर के आउटलेट के तौर पे काम करता है, यानी कहाँ पे, बाहर जाने वाले रास्ते में लगा रहेगा, इनलेट में नहीं लगा रहता, आउटलेट में लगा रहता है। उसके अलावा वही चीज है, टेम्परेचर जब आपका 60 डिग्री के आसपास हो जाएगा तो ये वाल्व खुल जाता है और अपर पार्ट के अंदर रहता है, रेडिएटर के पास में लगा रहता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं वाटर पंप के बारे में। तो वाटर पंप क्या रहता है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या करते हैं, जिसके फोर्स जो होती है
अपकेंद्रीय बल बोलते हैं इसे। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि वो बल जिसके बीच में सेंटर से फोर्स लगाई जाए और वृत्ताकार गति के अंदर करता हो। तो पंखे में यही होता है, बीच में से घूमता है और वो राउंड सारा करता रहता है लेकिन घूमता तो मेनली बीच में से ही है। तो वोटर पंप होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा जो हवा सॉरी जो पानी को क्या कर देगा, अंदर भेजने की दर को बढ़ा देता है, ठीक है, कूलिंग सिस्टम। बाकी वही चीजें हैं वोटर जैकेट्स के बारे में। वोटर जैकेट क्या होती है, सिलेंडर हेड जो होगा, यानी कि ये जो इमेज थी इस इमेज के अंदर ये सारी की सारी वोटर जैकेट है, ये वोटर जैकेट है सारी, ठीक है, ये वोटर जैकेट है जिनमें कवर कर रखा है पानी को। ओके, तो यहाँ आपका कूलिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। कूलिंग सिस्टम से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो या डाउट हो तो आप बता सकते हैं।